खबर बगहा के दियारा पार बिहार यूपी बॉर्डर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर नहाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन बांसी नदी की बदहाली का आलम कुछ ऐसा है जिसे तस्वीरों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लाखों लोगों को मुक्ति देने वाली बांसी नदी आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है, जहां ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही कोई प्रतिनिधि। इस कार्तिक पूर्णिमा को नहान है, इस उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, जो आस्था के साथ इसी गंदे पानी में डुबकी लगाते हैं। इसको लेकर सदियों से एक कहावत भी प्रचलित है कि 100 काशी और 1 बांसी। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बांसी नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य करते हैं। यहां बांसी मेला में लगता है, लेकिन अब तक सफाई भी नहीं किया जा सका है, जबकि स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा समाज सेवा का दावा किया जाता है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है साफ सफाई करा देना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हल्का फुल्का सफाई यहाँ के लोगों द्वारा कराया गया है, लेकिन जो है उतना अधिक नहीं है कि जो है पूरे लोग जो है इससे जो है निजात पा सके। बांसी मेला की बहुत बहुत विशेषता है, यहाँ बुजुर्गों द्वारा यह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जब माता सीता के साथ विवाह उपरांत लौटे थे तो यही विश्राम किए थे रात्रि में, और उसके बाद सुबह स्नान करके दान पुण्य किया था, तभी से यह परंपरा शुरू हो गई और वहीं से लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ पर लगभग कितना का भीड़ होता है? लाखों की भीड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी प्रशासन का व्यवस्था करना पड़ता है। अभी लगभग यहाँ पे जो है कि प्रशासनिक स्तर से जो विधि व्यवस्था चल रहा है वो किस प्रकार है? बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है, पुलिस प्रशासन वीडियो CO वगैरह से लेकर सभी प्रकार के पदाधिकारी तैनात हैं और हर लोग यह चाहते हैं कि शांतिपूर्वक माहौल में मेला बढ़िया तरह से निकले, सभी श्रद्धालु स्नान करें और अच्छी तरह से।